कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार चल रहे किसान आंदोलन को लेकर जहां अब 27 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया है, वहीं उसको आगे धार देने के लिए किसान यूनियन के लोग द्वारा जगह जगह पर आगे की रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें आज बलदेव इलाके में भारतीय किसान यूनियन के नेताओं द्वारा आगे की मीटिंग करते हुए निर्णय लिए गए। वहीं अन्य किसान आंदोलन से आए हुए कई लोगों ने आज यहां पर सदस्यता ग्रहण की और आगे जाकर भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत के हाथों को मजबूत करते हुए किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। देखिए 27 तारीख को जो किसान मोर्चा का आह्वान है भारत बंद को लेकर, हम हरेक प्रत्येक तहसील और ब्लॉकों पर इसका प्रोग्राम बना रहे हैं। 27 तारीख को पूरी तरह मथुरा में भारत बंद रहने के लिए सभी किसानों से अपील की जा रही है। इसी को लेकर आज जो है ये बलदेव के प्रांगण में एक मीटिंग आयोजित की है, जिसमें संगठन का विस्तार किया है। एक जो हमारे भूपेंद्र सिंह हैं जिला अध्यक्ष थे युवा के भावी में, वो छोड़ के आए हैं और हमारी नीति और नीतियों से और हमारे संगठन से उनकी ध्यान है, तो इसलिए वो जुड़े हैं। मुद्दे तो काफी हैं, परंतु असली मुद्दा तो कालो कानून है। ऋषि पाल अम्बावता जी का आदेश है, जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान दंगल आर पार का करके मानेंगे। 27 तारीख की तैयारी है बहुत जोरदारी के साथ में, खाना पूर्ति नहीं होगी, अधिकारियों को मालूम पड़ जाएगा किसानों में कितना करंट है, हाई टेंशन लाइन है किसान, अगर इसको छेड़ दिया है तो ये शांति से नहीं बैठेंगे हम। जय